रोहित शर्मा का बल्ला चला है आज, विराट कोहली ही विराट कोहली पुराने फॉर्म में आ गए हैं। मिस्टर 360 डिग्री ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड। चलिए तो इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा मिस्टर 360 डिग्री ने बनाया और शतक नाबाद। चलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्स्ट में इंडिया बैटिंग किया, नीदरलैंड ने बॉलिंग किया। फर्स्ट में केएल राहुल खेले, जो केएल राहुल 12 रन बना के 10 गेंदा में आउट हो गए, जो LPW आउट हो गए। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत अच्छा देखा गया, वहीं पर केएल राहुल का परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं चल पाए। रोहित शर्मा का 2 कैच छूट गया, उसके चलते रोहित शर्मा ने बनाया बहुत बड़ा रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने मार दिया 40 गेंदा में 53 रन, जिसमें 4 चौके 3 छक्का। उसके बाद विराट कोहली बहुत धीमा खेल रहे थे, विराट कोहली ने भी मार दिया 62 रन, जिसमें 40 गेंदा में विराट कोहली ने 3 छक्का और 2 चौका मार दिया है। उसके बाद हिटमैन के बाद आए मिस्टर 360 डिग्री। 360 डिग्री मिस्टर ने कमाल ही धमाल कर दिया। मिस्टर 360 डिग्री ने बहुत ही जल्द अपना शतक पूरा कर दिया, लास्ट बॉल पर भी छक्का मार दिया। मिस्टर 360 डिग्री गजब डिजाइन के फॉर्म में आज आए हैं, पहला बार उनका फॉर्म देखा गया। मिस्टर 360 डिग्री ने बनाया 25 गेंदा में 51 रन, उन्हें बहुत ही मस्त खेला, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 7 चौका और 2 छक्का लगाकर इंडिया को 181 रन पे पहुंचा दिया है। लग रहा है ये मैच भी जीतेगा। चलिए देखते हैं बल्लेबाजी में क्या हो रहा है और बल्लेबाजी कैसा हो रहा है, जिसने बल्लेबाजी में फर्स्ट में कराने आएंगे। असरदीप सिंह, असरदीप सिंह का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा भूमिका रहा जिताने में। असरदीप सिंह ने बहुत ही अच्छा पाकिस्तान में परफॉर्मेंस किया। देखिए तो नीदरलैंड के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार का भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा रहा, बॉलिंग बहुत अच्छा किए। उसके बाद अक्षर पटेल है, जो अक्षर पटेल खराब परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, बहुत ही खराब, जो इसमें 1 ओवर में 4 चौका दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत ही बुरी तरह से उनका परफॉर्मेंस गुजर रहा है। उसके बाद अब मिस अश्विन है, अश्विन भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बाकी अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं। उसके बाद कराने हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का बॉलिंग बहुत ही मस्त हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाया था और रन भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खासा मार दिए थे। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ मेन जिताने में विराट कोहली का था हाथ और उसके बाद हार्दिक पांड्या का भी भूमिका अहम रहा, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत पाया। चलिए तो मैं वीडियो खराब करता हूँ, आप लोग बताइएगा ये मैच कौन जीतेगा, नीदरलैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा। विराट कोहली का भूमिका अहम रहा इस मैच में, विराट कोहली सबसे ज़्यादा इस मैच में भी रन मार दिए हैं। चलिए तो देखते हैं आगे वीडियो में, फिर बात करते हैं। मैच पूरा ख़त्म होता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को।